दोस्तों नमस्ते। आज हम बीएड सेकेंड ईयर नाइन्थ पेपर से अपराधी बालक का अर्थ एवं परिभाषा, पहचान और इसकी विशेषताएं को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे से जुड़ जाते हैं। तो देखते हैं अपराधी बालक को अर्थ एवं परिभाषा को देखें। कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानून के विपरीत हो और वह प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो अपराध कहलाता है। वही व्यवहार यदि 18 वर्ष से कम उम्र के बालक करता है तो वह बाल अपराध कहलाता है और उसे करने वाला बाल अपराधी कहलाता है। बाल अपराधी के लिए जो कुछ परिभाषा दिया गया है उसे देखेंगे। बर्ट ने जो परिभाषा दिया है उसे देखते हैं। बर्ट के अनुसार उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं जिसकी समाज विरोधी प्रवृत्तियां इतनी गंभीर हो जाती है कि उसके प्रति सरकारी कार्यवाही आवश्यक हो जाती है। हीली ने जो परिभाषा दिया वह है व्यवहार के सामाजिक नियमों से विपरीत होने वाले बालक को अपराधी कहते हैं। हीली ने बताया व्यवहार के सामाजिक नियमों से विपरीत। तो हीली का जो परिभाषा है वह थोड़ा आसान है, इसे आप याद रख सकते हैं। सेतना के अनुसार किशोर अपराध में एक स्थान विशेष पर उस समय लागू कानून द्वारा निर्धारित एक निश्चित आयु के बालक अथवा युवक व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित जो कार्य है वह सम्मिलित है। न्यू मेयर ने जो परिभाषा दिया वह है एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु वाला व्यक्ति है जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है और जिसका दुराचरण कानून का जो है उल्लंघन है। तो कुल मिला के जो है अपराधी बालक का अर्थ है और परिभाषा कि उसका उम्र निर्धारित होता है, 18 वर्ष से कम होता है और वह समाज विरोधी कार्य करता है और कानून का जो है उल्लंघन करता है। अब हम अपराधी बालक का जो है पहचान को देखेंगे। अपराध के आधार पर अपराधी बालक की जो है पहचान हो सकता है। इस संबंध में तीन निश्चित दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। इसमें जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो है अपराध को एक प्रकार का सांवेगिक असंतुलन माना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसमें समाज विरोधी व्यवहार आक्रामक अभिव्यक्ति से लगाया जाता है जिसका उद्देश्य होता है विध्वंस करना, तोड़फोड़ करना, पर्यावरण में परिवर्तन लाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो व्यक्ति कानून के उल्लंघन करते पाया गया हो वह अपराधी व्यक्ति है। उसका आचरण चोरी करना, जेब काटना, तोड़फोड़ करना, दूसरों पर जो है आक्रमण करना, अवांछनीय व्यवहार, स्कूल में मारपीट व तोड़फोड़ करना, इसके अलावा जो है झूठ बोलना, झगड़ा करना, सिगरेट पीना, विद्यालय से भागने वाला, शराब पीना, दीवारों पर जो है अनुचित बातें लिखना, जुआ खेलना, बिना टिकट यात्रा करना, चोर डाकुओं, आवारा दुष्ट व्यक्तियों से मिलना जुलना, अपराधियों के साथ रहना, सड़क के नियमों का पालन नहीं करना। अपराध के इन दृष्टिकोणों और स्वरूपों को देखने से जो है पता चल जाता है कि बालक का जो है प्रवृत्ति अपराधी है। अब हम इसकी विशेषताएं को देखेंगे। विशेषताएं में जो है हम शारीरिक बनावट और व्यवहारिक पक्ष दो भागों में बांट के देख रहे हैं। जो अपराधी बालक होता है वह ज़्यादातर जो है देखने में स्वस्थ, हष्ट पुष्ट, गठा हुआ शरीर उसका होता है। चेहरे पर जो है क्रूरता नजर आती है। चलने पर जब वह चलता है तो साहसी दिखता है और घमंड से भरा हुआ वह दिखता है। व्यवहारिक जो है इसका प्रदर्शन, ऐसे बालक कक्षा में क्रोध या चिड़चिड़ापन दिखाता है, जल्दी ही गुस्सा हो जाता है, हमेशा समाज के हित में जो काम नहीं हो वही करता है। छोटी छोटी बात पर डराने धमकाने के साथ आक्रमणकारी हो जाता है। विद्यालय के अनुशासन का जो है पालन नहीं करता है। विद्यालय या कक्षा से उसका कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए वह विद्यालय के संपत्ति को जो है हानि पहुंचाता है। वह कई विद्यालयों में जो है अपना नामांकन भी करवा लेता है। ऐसे बालक को विद्यालय से जो है कोई लगाव नहीं होता। कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो अपराधी बालक की विशेषताएं बतलाया है उसे देखते हैं। फ्रेसमर व गुडविन ने जो विशेषताएं दी है वह है जिद्दी, स्वार्थी, साहसी, बहिर्मुखी, अपराधी, विनाशकारी,
आक्रमणकारी, गठा हुआ और पुष्ट शरीर, प्रेम, ज्ञान, नैतिकता और संवेगात्मक संतुलन से वह रहित परिवार का सदस्य, व्यवहार में जो है व्याकुलता, सामाजिक स्थिति प्राप्त करने की उत्सुकता, दूसरों पर जो है संदेह करना, शीघ्र जो है क्रुद्ध होना, दूसरों को विरोध करना, समाज विरोधी कार्य करना, अधिकारियों की जो है आज्ञा का नहीं मानना, समस्या को जो है उचित विधि से जो है हल नहीं करना। कुप्पू स्वामी जो बताया वह है अपराधी बालक का जो है चरित्र की मुख्य विशेषता यह है कि वह वर्तमान आनंद के सिद्धांत में विश्वास करता है और जो है भविष्य की चिंता नहीं रहती है। अपराधी बालक को भविष्य की चिंता बिल्कुल नहीं होती। तो ये था अपराधी बालक का अर्थ एवं परिभाषा, पहचान और इसकी विशेषताएं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।